जब तक चेतक मुड़ जाता था, ऐसा उनका जो चेतक था उसकी भी प्रशंसा इस तरह से कवि ने की है। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य, देशभक्ति को काल भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आपको पता होगा कि वियतनाम ने 20 साल लड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। तब वियतनाम के राष्ट्रपति से पूछा गया कि अमेरिका से इतनी लंबी जंग के आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत के एक महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ा है और वह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। जब उस महापुरुष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो महापुरुष मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं। ये देश के लिए, दुनिया के लिए इतिहास है। मेवाड़ की धरती को पन्नाधाय के बलिदान के लिए माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्त की मिसाल काम की है। मेवाड़ की धरती पर भामाशाह को भी नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने संकट की घड़ी में अपना सारा खजाना महाराणा प्रताप के लिए खोल दिया था। मेवाड़ को मीरा की भक्ति के लिए भी जाना जाता है। मेवाड़ की धरती को अपने धर्म पर अड़क रहने के लिए भी कहा जाता है। जो धर्म राखे धर्म को ताई राखे करता, इस तरह की कहावत मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ का आदर्श रहा है, इसे बेडूमना ही कहेंगे कि आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे गौरवशाली इतिहास को छुपाया जाता रहा। विदेशी आक्रांताओं की पीढ़ी को रटवाकर मस्तिष्क को कलुषित करने का प्रयास होता रहा। महाराणा प्रताप जिस कुल में पैदा हुए उसमें बाबा बप्पा रावल, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे कई वीर योद्धा भी हुए, लेकिन उनकी वीरता और पराक्रम के इतिहास को सामने नहीं आने दिया। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके रखने की जिन लोगों ने जिस तरह से किया है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतिहास को तोड़ा। केंद्र में हमारी सरकार इतिहास की गलतियों को सुधार कर रही है और वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज जैसे नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर नई पीढ़ी को उनके असाधारण कार्यों से परिचित करवा रही है। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं थे, अब तो वो एक आदर्श, एक प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्र के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें किसी भी कीमत पर संप्रदाय और स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। नई पीढ़ी में ऐसे संस्कारों का संचार होना चाहिए। हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वो अपने साथ महाराणा प्रताप की सूर वीरता की गाथा साथ लेकर जाए, ऐसा हमारी सरकार भी करने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चाहे वो चामंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुंभलगढ़ हो, दिवेर हो, उदयपुर हो, आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का भी हमने निर्णय महाराणा प्रताप समिति उदयपुर ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ बनाकर इतिहास के गर्भ में छिपे मेवाड़ के त्याग, बलिदान और भक्ति को उत्तरित करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप की 57 फीट की अलधातु से बनी प्रतिमा और विभिन्न दीर्घाएं इस स्थान को पुण्य भूमि का स्वरूप दे रही है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ राष्ट्रभक्ति से सरोवर हो जाता है। मैं भी यहाँ आकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आने वाले हजारों वर्षों तक
देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः महाराणा प्रताप जी को कोट कोट नमन भी करता हूं। तो मैं आप सभी को यह निवेदन भी मैं करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत, इस पर हमें गर्व भी होना चाहिए, हमारे ऐसे महापुरुषों पर भी हमें गर्व होना चाहिए। हमें हमारे उस सारी जो हमारी इतिहास है, जो हमारे इतिहास है, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह से उसका सृजन करें, यह भी हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो धरती है, हमारा इतिहास है, उस इतिहास पर हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है। लेकिन आपने देखा है जिस तरह से एक इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और प्रेरित किया जाता है, हमें उनसे भी जिस तरह से उन्होंने किया है उन गलतियों को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से हमारी संस्कृति और विरासत पर हम गौरव करते हैं, हमारे महापुरुषों पर गौरव करते हुए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इन सभी बातों को जाने समझे, और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के हमारे ये संस्थाएं होती हैं, इस तरह के हमारे पैनोरमा होते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हमारे उस रास्ते को कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए स्वतंत्रता का आंदोलन, हजारों सालों की गुलामी जिससे हमें निजात दिलाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, जरा हमें सोचना चाहिए, हमारी इस पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस तरह से किया होगा, आज के युग में और उस समय के समय में कितना बड़ा परिवर्तन। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उन आदताइयों से लुहा लेते हुए अपने आप को और अपने देश को बचाने का और मातृभूमि का बचाने का काम किया, हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष इस बात का सोच भी हम लेते हैं कि ऐसे लोगों को हमें हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए सजो के रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारी पीढ़ी ने किस तरह से हमारी भारत माँ के लिए काम किया। इस अवसर पर मैं प्रताप गौरव केंद्र के सभी पदाधिकारियों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को इस ऐसे पुण्य कार्य के लिए आप सभी ने बुलाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय महाराष्ट्र।